इनके लब रंगी की मिठाबल थी के जिसने। प्राजक्ता ठाकुर हैं, ये मालूम करती हैं कि मर्दों की पेशानी पर एक मार्क होता है, यानी मुसलमान मर्दों की पेशानी पर इनका सवाल है कि एक निशान होता है जिसको कहते हैं कि वो नमाज का निशान है, कि जो लोग 5 वक्त मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उनके पेशानी पर वो निशान होता है। तो इनका सवाल ये है कि ये निशान औरतों के चेहरे पर नहीं होता, यानी औरतों के माथे पर इन्होंने नहीं देखा जिस तरह मुसलमान मर्दों की पेशानी पर होता है। असल में जवाब ये है कि औरतें जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम कराती रहती हैं, तो इसीलिए उनके चेहरे पे वो निशान जो है वो नहीं पड़ पाता। तो क्योंकि वक्तन फवक्तन मसाज करना, ये करना, वो करना, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो इसीलिए वो सतह बिल्कुल प्लेन रहती है, वहाँ पे निशान नहीं पड़ पाता। और दूसरी बात यह है कि तमाम मर्दों के वो निशान नहीं पड़ता, बल्कि इस निशान की असल वजह तो ये है कि अगर ये खुद ब खुद निशान आया है सजदे की वजह से, यानी कसरत सजदे की वजह से, और बंदे ने इसमें अपना जो है वो ज़ोर आजमाइश नहीं की कि कसरत यानी कस के सजदा करे ज़मीन पे, रगड़ के जानबूझ के ये निशान बन जाए, और ये दिखावा नहीं है, खुद ब खुद है, तो बरोज़ क़यामत इंशाल्लाह ये उसके लिए एक नूर बन जाएगा, उसकी पेशानी पे नूर होगा। और अगर ये जो है तकब्बुर के तौर पे है, दिखाने के तौर पे कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मेरे निशान बनना चाहिए, बंदा ये सोचता है और उसके कोशिश में भी लगा रहता है, और ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ता है मस्जिद में कि जहाँ थोड़ा सख्त हो या ज़मीन हो या चटाई का वो हिस्सा थोड़ा सख्त हो ताकि निशान बन जाए, तो फिर ये उसके लिए अजाब बन जाएगा। तो खुलासा ये है कि निशान अक्सर ऐसी सूरत में पड़ता है कि जहाँ सजदे के अंदर कोई नरम चीज़ ना हो, और जिस मस्जिद के अंदर आप देखेंगे कि कोई ऐसी कालीन या गद्दे टाइप बिछे हुए होते हैं तो वहाँ निशान पड़ने का अंदेशा कम होता है। इसी तरह अगर जानमाज जो है वो मखमल की है या इतने नरम कपड़े की है तो वहाँ भी निशान पड़ने का थोड़ा गुमान कम होता है। अब मस्जिद में क्योंकि वो चटाई होती है, तो चटाई बनिस्बत जाए नमाज के वो थोड़ा सख्त होती है, तो इसलिए मर्दों के वजह ये भी है कि निशान वहाँ पड़ जाते होंगे जहाँ पर जो है वो चटाई वगैरह का मामला होगा। और ख़वातीन के इसलिए भी नहीं पड़ता, एक तो वो जाए नमाज पे घर पे नमाज पढ़ती हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट और नरम होता है, तो उससे थोड़ा निशान कम आता है, लेकिन बाज़ के पड़ जाता होगा। बाकी ये कि आपके सवाल बिल्कुल सही है कि ख़वातीन का निशान जो है वो मर्दों के मुकाबले कम होता नहीं देखा गया, उसकी एक वजह वही है जो मैंने अभी पहले बयान की। पत्थर